अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद तलशा। तो आज मैं बना रही हूँ फ़्राई कबाब। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है कीमा, मैंने बारीक कीमा लिया है और मैंने इसको अच्छे से मशीन में एक बार और चला लिया है। तो इसमें अब हम अपनी चीज़ें ऐड कर देते हैं। मैंने वैसे कि मैं बारीक लिया था, उसके बाद मैंने मशीन में इसको और चला दिया था। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए, मसाले आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने डाल दिए ब्राउन प्याज और ये मैंने एक मसाला बनाया था खड़े मसालों का, ये भी इसकी भी आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ मैं डाल रही हूँ मीट टेंडराइज़र, अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने डाल दिए दही 2 चम्मच भर के। तो अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। अब यहाँ मैंने कोयला गरम पे रखा हुआ था, तो अब मैं इसमें स्मोक दे दूँगी कोयले का। तो ये बस बहुत झटपट सी बनने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया था फ्रिज से। तो अब मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है और घी में मैंने डाल दी है 1 प्याज बारीक कटी हुई। इसको मैं कर लूँगी थोड़ा सा ब्राउन। ये देखें, जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर मैं ये अपना सारा मसाला डाल दूँगी। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसको हल्की आंच पर रख दिया था ताकि कीमा गल भी जाए अच्छे से, और वैसे भी बहुत बारीक है तो जल्दी ही गल गया था। तो यहाँ पे देखें, पानी बिल्कुल सूख चुका है, ड्राई हो चुका है और हमारा कीमा भी अच्छे से गल चुका है। ये देखें, तेल भी ऊपर आ रहा है। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और अब मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर 1 कप पानी, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता है, ये थोड़ा गीला गीला सा होता है। और मैंने इसको दम पे रख दिया था। तो ये देखें, हमारा कीमा रेडी हो चुका है और मैंने इसको सर्व किया है चटनी और पराठे के साथ। इन दोनों की रेसिपी भी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।